सो हेलो गाइस, जैसे कि हमारे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा कि गूगल हैकिंग एक्चुअल में क्या होता है एंड गूगल हैकिंग वर्क कैसे करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अब तक तो एक बार जरूर देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे गिटहब रिपोजिटरीज के बारे में, जो कि आपको हैकिंग सिखाएंगी एंड जिसमें कि आपका पूरा एथिकल हैकिंग अगर आप मन लगा के पढ़ोगे तो कवर हो जाएगा एंड इट विल गोना टेक यू थ्रू एनी चैलेंजेस यू कुड फेस इन द एथिकल हैकिंग फील्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई एम ब्लैक हैमर, यू आर वॉचिंग द डार्क टेक। सो लेट्स स्टेप इनटू इट। तो गाइस, हमारे पहले वाले रिपोजिटरी का नाम है हैकर्स रोड मैप। एंड हैकर्स रोड मैप आप अगर गिटहब पे सर्च करोगे, हैकर रोड मैप एट गिट गूगल पे, तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसा वाला लोगो है उसका, रेडमी फाइल में। एंड जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है इसका, ये एक रोड मैप देता है आपको काफ़ी सारी चीज़ों में। देखो जैसे कि पासवर्ड अटैक हो गए, वायरलेस टेस्टिंग, एक्सप्लोटेशन वगैरह। एंड आपको एक प्रॉपर बेसिक्स क्लियर करवा लेता है ये वाला रिपोजिटरी। तो अगर आप लोग बेसिक्स सीख रहे तो ये वाली रिपोजिटरी को विजिट करें एंड यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। यहाँ नीचे टेबल ऑफ कंटेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी एंड जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें और बेसिक्स तक सीखने को मिल जाएंगी। तो मेक श्योर आप ये वाला जो बेसिक्स के लिए चेक कर लोगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली रिपोजिटरी की तरफ। हमारे नेक्स्ट वाली रिपोजिटरी है ऑसम हैकिंग। एंड ऑसम हैकिंग एक तरह का आप लोग रिपोजिटरी का कलेक्शन भी बोल सकते। तो ऑसम हैकिंग जो हैक विद गिटहब का, हैक विद गिटहब ने पोस्ट किया हुआ है ये ब्लॉग। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे पूरे रिपोजिटरी के लिस्ट दिए हुए एंड डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि ये किस चीज़ रिलेटेड है। तो यहाँ पे सभी हैकिंग से रिलेटेड बताए गए हैं आपको ऑसम हैकिंग में। एंड आप अगर स्क्रॉल करें नीचे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे हैकिंग रिलेटेड आर्टिकल्स एंड रिपोजिटरीज मिल जाएंगे आपको। तो मेक श्योर आप इसको भी चेकआउट करें एंड आपको इसमें भी काफ़ी सारा नॉलेज मिल जाएगा, जैसे कि बग बाउंटी हो गया, साइबर स्किल हो गया, बाद में एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट हो गया, फजिंग, हैकिंग, हैकिंग रिसोर्सेज, हनी पॉट्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक कवर किए गए इस वाले रिपोजिटरी में। एंड जैसे कि आप, हम सबको पता ही होगा कि गिटहब एक नॉलेज का समुंदर है, तो आप जितना भी कलेक्ट कर सकते हो उतना कलेक्ट कर लो। तो बढ़ते अब हमारे नेक्स्ट वाले रिपोजिटरी की तरफ। हमारे नेक्स्ट वाले रिपोजिटरी का नाम है पेन टेस्टिंग बाइबल, जो कि ब्लैक हैट हैकर ने पोस्ट की हुई है। एंड पेन टेस्टिंग बाइबल, जैसा कि उसका नाम बता रहा है, ये एक बाइबल है पूरी तरह से, काफ़ी बड़ा, एंड जिसमें पेन टेस्टिंग का ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक कवर किया गया है। अगर आप लोग इसे पढ़ने भी बैठो तो एक काफ़ी बड़ी फाइल बन जाती है। देखो ये इतने सारे, देखो ये इतने सारे टॉपिक्स फाइल्स है इसमें। एंड अगर नीचे आप लोग टॉपिक्स में देखें तो देखो मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, यहाँ पे नंबर बताया गया है, देखो 10, 11, तो नीचे देखते हैं लास्ट तक। यहाँ पे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा पेन टेस्टिंग बाइबल में। एंड जैसे कि उसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये एक्चुअल में बाइबल है पेन टेस्टिंग का। एंड जैसे कि आप यहाँ से पे देख सकते हो, देखो 2149 तक इतने सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको यहाँ पे सीखने के लिए। तो इसमें से आप जितना ज़्यादा सीख सको उतना सीख लो, आपके लिए यूजफुल रहेगा। एंड हर एक, ऑलमोस्ट एवरी चैलेंज जो आप फेस कर सकते हो अपने लाइफ में इथिकल हैकिंग से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल ही जाएगा इजीली। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले रिपोजिटरी की तरफ। हमारे नेक्स्ट वाले रिपोजिटरी का नाम है पेलोड ऑल द थिंग्स, जो कि स्विस के रिपो ने पोस्ट किया हुआ है। तो पेलोड ऑल द थिंग्स में, जैसे कि उसका नाम बता रहा है, कि यहाँ पे हर एक चीज़ के पेलोड आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि देखो यहाँ पे फोल्डर्स मिल गया, CSRF इंजेक्शन हो गया, CSV इंजेक्शन, CV एक्सप्लॉइट्स, फाइल इंक्लूजन, इन सब के आपको, देखो कमांड इंजेक्शन हो गया, तो आप जैसे ओपन करते सब के आपको एक्सप्लॉइट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो इंट्रडर मिल गया यहाँ पे, एंड रेडमी फाइल भी उसके साथ मिल जाती है कि यूज़ कैसे करना है। एंड यहाँ पे अगर मेन पेज पे आए हम लोग तो यहाँ पे देखो उन्होंने एक प्रॉपर तरह से सॉर्ट करके रखा है। एंड यहाँ पे आपको हर एक चीज़ के लिए, हर एक मतलब जो आपको पेलोड एक्सप्लोइट करना पड़ेगा, वो हर एक पेलोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा काफ़ी इजीली। तो जैसे कि देखो वेब सॉकेट्स का हो गया, सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन हो गया, SQL इंजेक्शन हो गया, ओपन रिडायरेक्शन, एंड ऑलमोस्ट काफ़ी सारे से पेलोड आपको मिल जाएंगे। एंड पेलोड का एक हेवन भी कह सकते हैं हम लोग इसे। तो अगर आप लोग हैकिंग कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी जगह बन जाती है ये। तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी पेलोड मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट वाले रिपोजिटरी की तरफ। नेक्स्ट वाले हमारे रिपोजिटरी का नाम है हैकिंग सिक्योरिटी ई बुक्स। तो ये वाला जो है,
आर्टिकल वो ये हमने पब्लिश कर रखा है। एंड यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100, हाँ 100 बुक्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे देखने के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ नीचे, देखो 100 बुक्स मिल जाएंगे आपको, जैसे कि मेटा स्प्लट पेंट्रेशन टेस्ट बुक, टेस्टिंग कुक बुक हो गया। बाद में मैंने केल्विन मिटनिक की भी एक बुक देखी थी यहाँ पे। हाँ देखो द आर्ट ऑफ डिसेप्शन हो गया, द आर्ट ऑफ इंट्रूजन भी इंक्लूड है यहाँ पे केल्विन मिटनिक की। तो सीक्वल इंजेक्शन हो गया, मेटा स्प्लट का हो गया। तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे यहाँ पे ई बुक्स पढ़ने के लिए, एंड पेजेस भी मेंशन किए हुए, एंड जो कि एकदम फ्री में मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है एंड बुक्स में से आप सीखना पसंद करते, तो मेक श्योर आप ये वाला जो आर्टिकल है मतलब रिपोजिटरी है वो चेक करो। तो बढ़ते अब हमारे नेक्स्ट वाले रिपोजिटरी की तरफ। हमारे नेक्स्ट वाले रिपोजिटरी का नाम है चिट शीट गॉड। तो इसका जैसे नाम बता रहा है चिट शीट, ये एक काफ़ी बड़ा कलेक्शन है चिट शीट्स का। तो अब चिट शीट क्या होता है, तो चिट शीट जैसे कि हम लोग कह सकते हैं नोट्स होते हैं किसी बंदे के। तो जैसे कि हम लोग बुक में से नोट निकालते एंड नोट्स में से हमें झट से समझ आ जाता है कि वो सामने वाला बुक का जो ऑथर है वो कहना क्या चाह रहा है। हम अगर नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स हमारे कुछ 4-5 पेजेस के ही बन जाते हैं, एंड जो कि बुक्स में 15-20 पेजेस में सिखाया होता है। तो ये एक छोटा कर देता है हमें, एंड हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है ये चीज़ें। तो इसको बोलते हैं चीट शीट। एंड चीट शीट गॉड में आपको काफ़ी सारे चीट शीट मिल जाएंगे अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि चीट शीट फॉर SQL, चीट शीट फॉर अपाचे SSL हो गया। देन देखो नीचे स्क्रॉल करते हैं हम लोग, मोबाइल ऐप टेस्टिंग, मेटास्प्लॉइट पेलोड, मेटास्प्लॉइट, हर एक चीज़ के लिए आपको चीट शीट मिल जाएंगे यहाँ पे। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है ये भी टाइम स्पेंड करने के लिए आपका। देखो विंडोज़ कमांड लाइन इंजेक्शन हो गया, विंडोज़ हो गया, देन VLANs वगैरह, वॉइस ओवर IP प्रोटोकॉल्स के साथ चीट शीट टूल्स हो गया। ऐसे आपको काफ़ी सारी बड़ा कलेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे चिट शीट्स का, जहाँ पे आप आके अपना काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर सकते हो नई नई चीज़ें सीखने में। तो मेक श्योर आप ये भी चेक कर लो ये वाली रिपोजिटरी। एंड मैं जो जो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, एंड साथ ही आप अगर गूगल करेंगे तो गूगल पे भी आपको काफ़ी इजीली मिल जाएगी। एंड बढ़ते हमारे लास्ट वाले रिपोजिटरी की तरफ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारी बग बाउंटी चिट शीट। तो ये एड ओरफ्लो ने बनाई है ये वाली रिपोजिटरी, एंड यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट बग बाउंटी में जो जो टॉपिक आपको चाहिए होते हैं बेसिक से लेके एडवांस तक, तो यहाँ पे वो सब कुछ कवर किया है। एंड आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने चीट शीट का मीनिंग आपको पहले बताया कि ये वाले जो है एक नोट्स के टाइप होते हैं। आपको ये पढ़ के काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा कि अलग अलग अटैक्स कैसे परफॉर्म कर दिए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये सारे हो गए, जितने भी टाइप के अटैक होते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया गया है। एंड बुक सेक्शन में अगर आप जाओगे तो देखो आपको यहाँ पे बुक्स के लिंक वगैरह भी काफ़ी प्रोवाइड किए गए हैं, इतने नहीं है जितने वेब हाँ हैकिंग सिक्योरिटी ई बुक्स में प्रोवाइड किए गए थे, बट ये अप्रोप्रिएट बग बाउंटी से रिलेटेड बुक्स है। आप इसे भी ज़रूर चेक कर लीजिए एक बार अगर आप बग बाउंटी में इंटरेस्ट रखते ज़्यादा तो। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए कि जब भी मैं नई वीडियो लेके आ जाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड हम लोग अभी कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं फ्री CCNA का, सो मेक श्योर आप उसे भी जाके एक बार देख लें। हर हर रोज़ या फिर एक दिन बाद वहाँ पे वीडियो आ जाया करेगी। सो अगर जब तक फ्री है तब तक सीख लीजिएगा। एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आई एम ब्लैक हैमर साइनिंग आउट।